थोड़ा सा बड़े वाले नहीं फाड़ते इसलिए होते हो तो निकाल लेते हो तो निकाल तो सब नहीं ये गलत नहीं करती है ये केवल पर्स निकाल लेती पत्नी है तुम्हारी चेहरा और फिर कहते हो कि नहीं करती थी तुम थोड़ा सा इसको आगे कर आगे करवा नहीं आ रहा उसको पहली बार निकाल चोरी करते थे पर करते क्या थे ईमानदार महिला है उसमें आप डाउट कर रहे हो यार गिरफ्तार किया गया है जो कि राज्य भर में घूम के जितनी बड़ी सभाएं होती हैं भीड़ भाड़ होता है सामाजिक राजनीतिक धार्मिक भीड़ भाड़ में ये लोग जाकर छीन महिलाओं के साथ छीन छान करके लफू चक्कर हो जाती है। इनका मास्टरमाइंड जो पुरुष है वो मीडिया पेपर कटिंग पर काट के कहाँ कहाँ पे कौन सा राज्य भर में होने वाला है जहाँ भीड़ अपेक्षित है उसको वो कटिंग काटता है इनको गाइड करता है ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और हर इवेंट में कुछ चोरी करके निकल जाते हैं। इनके द्वारा 100 से ज्यादा चोरी के इवेंट पिछले 2 वर्षों में किया गया था। जोन पुलिस द्वारा अहम सफलता में इनको पकड़ा गया अरे भाई आशीर्वाद से क्या होगा जेल तो जाना ही पड़ेगा माफ गलती से गरीबी स्थिति कारण कर्ज पूरी छोड़ देते हैं धंधा करते हैं धंधा ये धंधा तो अच्छा है ये धंधा कब से कर रहे हो सर दो साल से एक महीने दो साल छह महीना तक खाट टूटी रिस्क पड़े रिस्क मैं अकेला जा रहा हूँ कपड़ों वगैरह बेचे पर बहुत मोरे टूटी दो साल से कर रहे हो अरे समझ गया जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ठीक है ये नौटंकी की जगह नहीं है जब महिलाओं का तुम चोरी करते थे उनपे क्या बीतती थी सोचा तुमने फिर सोचा तुमने नौटंकी कर रहे हो अभी दो साल से कर रहे हो 100 से ज्यादा बार कर चुके हो तुम लोग कहाँ कहाँ किए हो तुम लोग मेरा ठेला में पूरा किए हो मेरा ठेला का तो अधिकार है लाइसेंस है तुम्हारे पास की चोरी का तो लाइसेंस नहीं कैसे क्या चोरी का कितने कितने मेले में कर चुके हो गए कहाँ कहाँ के नाम बताओ रायपुरा रायपुरा में क्या चीज हुआ था महादेव घाट राजीव शिवरी नारायण दिमाग से जो डालना है बताना है बेटा भाई और कहाँ कहाँ पे किए हो राम राम का मेला नया साल में कहीं भी लगता है नया साल में जहाँ लग जाए वहीं हाथ साफ कर दोगे वेरी गुड और जो मेला हुआ वहाँ पे तुम रफू हाथ की सफाई और रफू चक्कर जादूगर हो या अभी तैयारी कहाँ की थी प्रदीप मिश्रा जी वाले में लेकिन जो पूछ रहा हूँ पहले वो बोलो नौटंकी नहीं करना नौटंकी के लिए अलग सेवा है मेरे पास वो सेवा होगी तो फिर सेवा की आवश्यकता है ये देखिए पेपर कटिंग कहाँ कहाँ पे पहले ये लोग पेपर कटिंग में देखते कहाँ पे भीड़ आ रही है और उसके बाद पेपर कटिंग रखते थे हाथ सफाई के बाद अपनी सफलता को लोग सेलिब्रेट करते थे अरे भाई तुम तो यार मतलब ये तो स्क्रॉल करते करते मेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी लेकिन तुम्हारा ये खत्म नहीं होगा प्रदीप मिश्रा का पोस्टर है सर तुमने किसी भगवान को नहीं छोड़ा किसी वाचक को नहीं छोड़ा किसको हर जगह नहीं तुम्हें किसी भगवान का डर है नहीं है अरे कहीं नहीं गए तुम देख रहे हो खत्म नहीं हो रहा है मेरा अंगूठा टेढ़ा हो गया है तो क्या तैयारी की प्रदीप मिश्रा की यहाँ की क्या तैयारी किए थे जामगांव में कैसे किए बताओ पहले
जामगांव में सर मैं बनी जाते हूँ ये बात हुआ कब लड़कियों के कारण हुआ बात बात क्रिस कर जाओगे इसे मैं क्यों नहीं तो कपड़ा घर उठने डालने वाला रास्ते में जाके छोड़ दूँ कुछ भी कर देते बातचीत भी नहीं होती ये तो सरल लड़का है महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया सब पुरुषों की यही कहानी है जिंदगी में एक बार क्षमा कर दो जिंदगी में एक बार भगवान है और जज साहब है एक बार बिल्कुल जज साहब के सामने बताना कि सात मैंने 5,000 चोरियां की है लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु ऐसा ना तुमने साधुओं तक को नहीं छोड़ा देखिए बताओ करते कैसे थे तुम लोग मैं कुछ नहीं करता तुम तो कुछ करते ही नहीं साड़ी बेचते थे बताओ ना कारण हाँ मैं साड़ी बस बेचता था बेचारा इतना मेहनत करता है ड्रॉप करके गिर देना है भाई आपने पकड़ा है बिल्कुल भी चलाओगे आप तुमको मौका मिलेगा ड्रॉप करता था ये ड्रॉप करते थे अरे भाई मोची गाड़ी में को जब किया कि नहीं जी सर साड़ी बेचता था उसमें आई जब हुआ कि नहीं जब हुआ सर जब हो गया सर छोड़ने जाना अरे उनको जेल भी उसी में छोड़ना जब इतने लोगों को क्यों भाई इनको फिफ्थ में ही ले जाके जेल में छोड़ना क्यों भाई फिफ्थ कितने में खरीदे थे 8 लाख में एक बार पैसा दिए थे लोन पे लिए थे वो भी बैंक को छूना कितने पूरा किस दे दिए नहीं दिए क्या कमी थी तुम्हें अपनी हाथ सफाई का काम क्यों शुरू किया अरे यार मेरे दलाल में तो सबका तुम बताओ मेरे इलाके में पहले कर लिए एक किए कहाँ पे जामगांव में करने के चक्कर में थे कल शादी करने वाले थे और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे 5 लाख की भीड़ उसमें करे मेरा व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी देखे हो क्या देखे हो हमेशा देखता हूँ हमेशा डेली कहाँ पे देखते हो मोबाइल में क्या देखे सबको समझाते हो सब देखता हूँ समझे क्यों नहीं था तरस रहा था सर कम से कम आपकी हेलमेट को भेज दे मुझे ऐसा क्या देखो तरस रहा था मुझे आने मिलने के लिए लेकिन यार अच्छी तरह मिलते ना यार ऐसे भी रात को क्या मजा मैडम कहाँ से रहने वाली हो पत्नी है तुम्हारी चेहरा और फिर कहते हो कि करती थी तुम थोड़ा सा उसको आगे कर तो आगे करवा नहीं आ रहा उसको पहली बार निकाल वो जो चोरी करते थे उसका करते क्या थे पैसा को निकाल देते ईमानदार महिला है उसमें आप डाउट कर रहे हो यार पर्स चोरी करते थे सबसे ज्यादा कितना पैसा मिला पर्स में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 200, 500, 600 कितनी बार किया है गिनी भी 200, 400, 600, 2,000, 3,000 उसके काम पूछो कैसे क्यों करता था ये ज्यादा जिस रात दिन काम नहीं करती थी इसलिए आसान काम चोरी आपने शुरू कर दिया भाई ये तो मेहनत नहीं कर पाती थी तुम्हारा तो क्या हो गया करत रहो तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान उन महिलाओं का भोजन इनका पर्स तुम लोग उड़ाते थे उनमें क्या बीतती होगी और मेरे इलाके में आके चोरी करने का प्लानिंग करते हो तुम लोग मैडम मास्टर माइंड आइए मैं अपने माइंड को खोलिए आई है यहाँ बोलने का मौका मिला और इधर थोड़ा सा बिछुआ थोड़ा सा और आगे हो जाए आओ भाई काम किया है आपने पता है आपको इधर बताओ क्या नाम है आपका एएसआई चंद्रशेखर जी आपको आज बताएंगे
कैसे घटनाक्रम होता था पूरा बताना, घटनाक्रम शुरू से अंदर कैसे करते थे बताओ। ये पीपल शक्ति के रत्न और जोड़ सकता पीपल शक्ति अकलतरा जिले के हैं और पूरे के गांव के गांव चैन स्ट्रेचिंग करते थे, मतलब कथा वाचा या कहीं भी होता था वहाँ जाती थी भीड़भाड़ में और पीछे बैठ के अच्छी कपड़ा पहन के साथ में मैच करते हुए उनके पीछे के जो चैन है या पॉकेट है वो मारते थे और इनको स्विफ्ट कार में ये छोड़ा करता था और फिर जब घटना को करने के बाद पुनः वापस मोबाइल इनके पास था ही और ये फिर वापस आ जाते थे। पकड़े क्यों नहीं जाते थे ये लोग? ये जब तक ये घटना उनको समझ नहीं थे लोग निकल जाते सर घटना करते सर। तो क्या प्रिकॉशन लेते थे कि बच जाते थे ये लोग? ये वही सर, ये इनके मोबाइल था और ये सिम कार्ड में आसपास घूमते रहता था, घटना किया तुरंत, घटना करने के बाद ये मोबाइल किया और तुरंत निकल गया। इसी वर्तमान में एक आदमी है वो जा रहा है मेरे में, यदि उसको बचना है इस पॉकेट मारी में छीन छान क्या करना चाहिए कि बच सकता है? अपने पर्स और जेब में वो तो कीमती सामान तो न रखे सर, और कोई भी उसको संभाल के रखे, संभाल के रखेगा ही चैन मत पहले को मिला और कुछ बताया चाहते हो भाई? सर इनका एक डेमो करवाने के लिए इनको होगा आपको एक पांच पहनेंगे तो जिस जिसको मौका चाहिए आज सर मूड में है। क्या नाम है आपका? हाँ सरला साहू, तभी साहू जी इतना खुश हो रहे हैं। सरला साहू मैडम सर चेहरा इधर गए सर इधर मुड़ो। शिक्षक है आपके पढ़ने वाले तो मैडम ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए ना कि शर्मिंदगी हो। अरे अरे मैडम शादी होने वाला है कहते तो ऐसे काम करने नहीं चाहिए ना जिससे कि आदमी को आपकी जो जिन लोगों की आप लोग चोरी करते थे उनपे क्या बीतती होगी? और 2000 4000 5000 चुराने से कोई घर चलता है क्या? आप लोग समाज में आप लोग ये रखोगे कैसे करती थी बताइए? कैसे करती थी बताइए मैडम? कैसे निकालती थी? कैसे आप लोग डिसाइड करते थे कि इसी का लेना है किसी एक आदमी का लेना है? आपका निर्णय कैसे लेते थे आप लोग? छीनते थे लोग गले से एस पी साहब, चैन से निकालते थे चेहरा इधर घुमाई नहीं उनका किनारे हो गया सर। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर इधर घूमने के लिए बोले लेडीज को, चेहरा पूरा घूम जाएगा। एक ही बताओ, मान लो किसी को बचना है ये आप लोगों जैसे लोगों से तो कैसे बच सकते हैं वो? क्या मतलब चोरी करी लोगे आप लोग? क्या लोगे तो आप लोग कैसे मालूम चलता था आपको ये सतर्क है ये गैर जिम्मेदार है? नहीं पता। एक महीने में कितनी बार चोरी करते थे आप लोग? महीने में एक आध बार करते थे, साल में 15-20 बार हो गया। कितने बार सालों से कर रहे थे? पूरा बिगड़ रहा है। 9 महीना कम टाइम थोड़ी है मैडम, 9 महीने से पहचान कैसे हुई इन लोगों के? कपड़ा बेचते हुए। ये काम इतना अच्छा क्यों लगा आपको? कपड़ा खरीदते हुए लालच, देखिए लालच तो बहुत बुरी बला है। लालच में तो गलत काम में लालच होगा, चोरी में तो समाज को कितना नुकसान है। इधर आओ बेटा, तुम बताओ ठीक से ठीक है? अरे किसी को चोरी से बचना हो तो क्या करना चाहिए, कैसे बच सकता है भीड़ भाड़ में? लोगों से क्या अपील करोगे?
ज्यादा पैसा दे के मत जाओ एक, और गहना कॉस्टली पहन के मत जाओ, नकली वकली पहन के जाओ, खरीदो और कैसे तो जब ये पैसे लेके आते हैं खर्चे क्या पैसों का बहुत बार कट जाए, अब कट जाए क्यों होता था? सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं भैया इलाज के लिए, हर आदमी चोरी नहीं करेगा भैया, इतनी सारी सरकार की स्कीमें हैं सब चोर चोरी शुरू नहीं कर देते, ठीक है? इसके बहकावे में पत्नी का बहकावा नहीं होता भाई, पत्नी के जानी मालूम चोरी करना गलत काम है, मालूम भी था आपको, आपको क्या अधिकार समझ लिया था चोरी का आपने? सर छोटा बच्चा सर उसको मत लाइए सर, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ नहीं, छोटा बच्चा नहीं सर, ये लोग का गिरोह कैसे बनाए लोग चारों, ये तो पति पत्नी कहाँ कपड़ा बेचने जाते थे, कपड़ा खरीदने वाला व्यक्ति को ये लोग लालच देते थे कि हमारे साथ मिल जाओ, बिना मेहनत के पैसा मिलेगा। हाँ आप भी मैडम, आपने कब से चोरी का काम शुरू किया? चोरी नहीं करना सर, चालू बस करना। चालू किए हैं आप, पहला पहला टाइम था आपका? अरे मैडम पहली पहली बार ही थक गई आप, कहाँ की रहने वाली है? जांजगीर से। पकड़ी कहाँ पे गई? दुर्ग में। जांजगीर से दुर्ग का सफर कैसे हुआ मैडम? इन लोगों से दोस्ती कैसे हुई? मेला ठेला में, तो मेला ठेला में चोरी करने गए थे, वहां आप मिल गई और चोरी का काम आपको पसंद आ गया और जांजगीर से आप आ गई। जांजगीर में कहाँ के रहने वाले हो? झरमला। झरमला से दुर्ग कैसे आई? गाड़ी में, बस में कैसे आई? रेल में आई आप, तो रेल का टिकट ली होंगी, फिर आई होंगी, टिकट लेके आई होंगी ना, तो बिना टिकट आ गई है आपके लिए क्या टिकट की आवश्यकता? तो आप जब आई तो अपने घर में लोगों को बताई क्या करने जा रही है रेल से? पापा को बता के आई मैं चोरी के लिए निकली हूँ। तो आप तो जांजगीर के रहने वाले हो, आप कहाँ के मैडम? रायपुर। पूरा छत्तीसगढ़ है, एक तरफ जांजगीर एक तरफ रायपुर, आप कहाँ के मैडम? वो तीनों एक ही गांव के हैं सर, पिपर सत्ती अगलतरा पिपर, तीनों एक ही गांव के हो, रिश्ते में भाभी भी लगती है। ये तो दोस्ती हुई होगी ना बच्ची, यही सबसे बड़ी मास्टरमाइंड लग ये है कि ये है मास्टरमाइंड ये है सर, ये दामाद करके सेव किए सर नंबर को, और जैसे कार्यक्रम होने उसको दामाद बनाई है रिश्ते में, और दामाद जी उसको भेजते हैं यहाँ पे मैडम, दामाद बनाई है। रो रहे हो आप, पूरा पटकथा आपकी लिखी हुई है, ये दो साल से कर रहे हैं आप, बता आप कितने साल से कर रहे हैं? वो दो साल से कर रहे हैं तो आप नौ महीने कैसे होगा? नौ महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैडम आपका? आगे क्या सोच है जेल से निकलने के बाद क्या करना है? अच्छा, नौ महीने चोरी कर रहे हो, अच्छा काम बोल रहे हो, अच्छा काम है। अरे भाई ये कौन सा अच्छा काम बताया आपने, सिखाया इनको? ये तो बोल रहे हैं आप ही ने सिखाया इनको, सबसे पहला कौन था शुरुआती इसमें? ये है शुरुआती, मैंने कहा देखते होता है शुरुआती यही है सर। वो ये बेटा है किसे देखा जाए, वो बहुत परेशान करती है अपने पति को, पैसा लाओ पैसा, बता ना तू, बता ना, लाओ ना यार, बता ना तू, मेरे को बताया साहब को, बता ना भाई, कैसे बता रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है, बताओ भाई। नहीं इसको इसको अच्छा काम करता था, कलकत्ता में सेल में काम करा थे हम, उधर पार्टनर कर्ज होते थे, इसको काफी किस्म से ये बोला बुरी सुनने भी जामुन मेला खेला कुछ ना, मैं मना भी करे बोला, लेकिन एक बार जिस कोई सास को पहला इस घर वाला लालची पड़ गई, लालची लग गई। चलो कुछ दिन जेल में साथ में रहना, चलो जैसा
अरे भैया सर कर्जा किस चीज का था इनके ऊपर, कर्जा किस चीज का? दो लोग कमाने वाले खा कमा के खा पी सकते थे, वो तो लालच की बात है ना। चार सर 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 एक बार खड़ा कर दीजिए सर, सर सर लाइन से आपको आप भी पहले आप भी हटियो भैया भर्ती वाले भैया आ जाओ यही साहब आप आ जाओ यही साहब बाजू में आइए एक भर्ती वाला हाँ डेमो डेमो एक एक सर एक सर एक एक डेमो करवा दीजिए रुक जाओ अरे चल पाना दीजिए यार मैडम यार मैडम एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए थोड़ा सा चलो मैडम सर एक मिनट दो मिनट सर दो मिनट के लिए आपको पर्स निकालते पर्स है आपके पास पर्स है क्या सर अंदर का ना गायब हो जाए खोलते हो तो निकाल लेते हो गलत नहीं करती है ये केवल पर्स निकाल लेती है तीनों साथ में निकाल देते हैं मेहनत बहुत कर लगता है चोरी जैन वाली पर्स मारता है वो मैं के जैन के लिए मैडम लगा दी है जेंट्स का भी निकालते हैं दोनों चंदन सिंह पास से जेंट्स का भी निकालते हैं क्या पर्स जेंट्स का नहीं महिला महिला जो है महिला महिला जेंट्स का नहीं जेंट्स का जनवाने वाला नहीं चैन मेला वाला है मेला का वीडियो है ना वो मिलने वाला सर ठीक है डालने मेला का भी चैन वाला हम साहब जैसे करवाते थे पहना के सर सर घर जाने तक बम फूट जाएगा मैडम पति पति रहे तो यार आनंद दास बहुत बोलना चाह रहा है।